ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। तीन कत्ल की सूचना आग की तरह फैली जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। घटना के कारण पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर रही है। गहनता से जांच घटना रामपुर के थाना बिलासपुर के रुद्रविलास चौकी क्षेत्र की है। सुभाष नगर में तीन मौतें हुई, क्या मामला है और किस तरह की अब कार्रवाई की जा रही है? ये प्रदीप रस्तोगी और उनकी पत्नी प्रीति रस्तोगी और सचिन है 3 माह का लड़का। ये लोग यहाँ पारगंज में रहते थे, अभी पारगंज में इसकी दुकान यहाँ पर रहते थे मोहल्ले में। तो इसके भाई ने बताया सुभाष रस्तोगी ने कि सुबह 10:30 बजे मैं नाश्ता करके दुकान पे गया हूँ और 12:30 बजे करीब इसके भाई ने इनको फ़ोन किया कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो दौड़ के दुकान पर आया, देखा तो बाहर से मैन गेट की अंदर से कुंडी लगी थी, तो उनने कुंडी खोली और फिर अंदर गया, देखा तो तीनों की वो लाश थी। छोटे से बच्चे में थोड़ा सा कुछ दम था, उसने प्रयास किया उनको हॉस्पिटल जाने का, लेकिन उसकी मृत्यु होगी। तो इसने प्रथम दृष्टया तो प्रति वस्तोगी ने जो है अपने बच्चों पत्नी को और बेटे को मार के अपने खुद सुसाइड कर लिया। कैसे मारा था सर? ये पिस्टल से मारने की जानकारी है कि पिस्टल कब्जे में ले लिया था उसने। लाइसेंस ही है नहीं अभी तो उसको कोई हमारे पास उसका कोई कागज या ऐसा असला का शख्स कोई नहीं दिखा पाए हैं, उसकी हम जाँच कर। आस पास कोई CCTV कैमरा है सर? अभी CCTV कैमरे में देखा जा रहा है, आसपास जो कॉलोनी में यहाँ जो निजी मकानों में कैमरे हैं उनमें देख के तलाश कर रहे हैं कि ये घटना ऐसे ही है जैसे उसके भाई ने सूचना दी है या इससे बढ़ के और भी कुछ है, उसकी हम जांच करें। जैसे उस तथ्य होंगे सामने कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तीनों डेड बॉडी भिजवा दिया PM के लिए। हाँ PM के लिए भिजवा। ठीक है।